सुनाई, आई थिंक सब सुनना चाहेंगे कुछ जी, सुना दीजिए तेरी मेरी का एक लाइन सुनाई दीजिए। क्या बात है, हो जाए। सुर ले लेना चाहिए, और यही होता है कि एक बेबाक सिंगर जो होता है वो ऐसे, अदरवाइज मैं अभी उनको सुर देने वाला था अपने फ़ोन में से, उससे पहले वो हो गई, और अगर सुर के साथ लेती तो और अच्छा गाती। थैंक यू जी। मैं एक सवाल, एचआर, वी शुड हैव समथिंग फ्रॉम यू। यस यस यस, ये गाना डू इट है ना? हाँ जी, एक मिनट, आई जस्ट, इट डजंट हैव अ माइक। एक सेकेंड, तुमसे ही है, एक आपको वो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हमने रिकॉर्ड कैसे किया। अब आप देखिए सुर, ये है सुर, यहाँ पर ना वो माइक है, ना रिवर्ब है, ना कुछ है, लेकिन
और एक डरी हुई आवाज़ है, आप लोगों के सामने वो पहली बार मिल रही है, इस पर कोई जज मत कीजिएगा. इन्होंने आपने इनका वायरल वीडियो देखा हुआ है, ट्रस्ट मी दैट शी इज रियली वेरी वेरी गुड. और कभी उड़ती महक कभी गीली फिजा कभी पाक दुआ कभी धूप कड़क कभी छांव नरम कभी सर्द हवा तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी. Everybody out there, let's convert this beautiful press conference into a nightclub. What say? Teri meri, teri meri. Everybody, teri meri kahani. One more time, teri teri meri, teri meri kahani. Thank you very much. Woo! Thank you so much, everyone, for being here. हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. Before we open the questions, I think हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे, नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे, आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी. Tell us about it, रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन, वहाँ पे बैठ के वो गाना गाना, वहाँ से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर HR ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपको, दिल में क्या चल रहा है सर, बताइए. Thanks to God. Yeah, because he always loves me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, no? That's why. Because he is great, no? Yani Bhagwan jo hamara hai, wo bahut bahut hi pyar karte hai mujhse. Yani Yeshu jiska naam, unhone itna pyar kiya hai, itna pyar karte hai. कि हम उनके पास कितने भी क्या बात है जी. थैंक यू. और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत. मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए. हाउ स्वीट इज दैट, सुपर. एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये खुशी की आंसू. ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ. ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई ऐसा टैलेंट सामने आता है तो उस टैलेंट को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया. एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सब कठपुतली हैं हम लोग, सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ. वाह, थैंक यू. हम लोगों ने कुछ नहीं किया इनके लिए, बस अब यही है कि हमने हमारी तरफ से कुछ जो हो सका हमने किया, लेकिन अब आप लोग इन्हें और आगे लेके जाइए, इतना बड़ा बनाइए, और हर जगह पे जहाँ टैलेंट देखे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए. बिकॉज हमें भी किसी ना किसी ने सपोर्ट किया था तब हम आगे आए थे. क्या बात है. आपके अंदर ही तो भगवान ने मेरे लिए इतना
किया है इतना ग्रेटनेस इतना मुझे खुशी दी है ये गाने पे और मुझे हर दुख भुला दिया सब ऊपर वाले ने सच में लेकिन इनके अंदर से इन्हीं के वजह से मुझे अगर इन्होंने मुझे ना ये मौका दी थी तो मैं कभी नहीं गा सकती ये बात लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ जैसे अतिंदर जी ने वो वीडियो शूट किया तो ये नहीं होते तो वो नहीं होता तपन जी इतना सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता दीपशिखा जी मुझे हाँ ही नहीं करती ये फिल्म ही नहीं बनाती तो ये नहीं होता कुमार जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता एज अ म्यूजिक कंपनी तो नहीं होता इतने लोगों ने आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हो गया पूरी ऑडियंस आ गई पूरी मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया तो मैंने कुछ नहीं किया जो भी किया है आप लोगों ने किया है हम सब ने बस हम सब जरिया हैं वो ऊपर वाला चाहता था कि शी हैज टू बिकम अ बिग स्टार एंड शी इज अ बिग स्टार वाओ क्या बात है बिल्कुल सही बात कही है एक्चुअली रानू जी भी ऊपर वाले को याद कर रही हैं और रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऊपर वाले ने हम सबको एक जरिया बनाया आज रानू जी को सबके सामने लाने के लिए आई थिंक हम सबके जहन में बहुत से सवाल हैं आई विल टॉस इट टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया आपके जो सवाल हैं इफ यू कैन रेज योर हैंड्स वी विल गेट द माइक टू यू यस कैन वी गेट द माइक देयर ये सारे जज्बात हैं जो अंदर से आंसुओं के थ्रू बाहर आ रहे हैं ओके कैन यू कैच द माइक श्योर ओके नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं यार हाय विमेश फैजान दिस साइड फ्रॉम डीज हेल्पलाइन विमेश ऑन योर लेफ्ट देयर लेफ्ट यप हियर ओके हिमेश सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी उन्होंने जब आपके आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके नहीं मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजली जजेस को बताते नहीं हैं बिकॉज वो अदरवाइज यू नो दे हैव टू कैप्चर इट ऑन कैमरा सो इट हैज़ टू बी रियल एंड दे क्रिएट अ वेरी रियल मोमेंट सो दे डिडंट टेल अस तो उन्होंने सडनली कंटेस्टेंट्स जो बच्चे बहुत ही ग्रेट परफॉर्म कर रहे थे शो में उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में जेन्युइनली दे वॉन्ट द टैलेंट टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था और मुझे जब मैंने देखा जब वो सुना है ना आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने तो मुझे लगा और तेरी मेरी और तीन चार गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी हमने पहले दो तीन गाने जो रिलीज़ कर दिए थे तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज लगती है क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं 350-400 गाने मैंने बना के रखे तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था वो फिल्म नहीं बनी उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूँगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया उन्होंने कहा था प्रॉमिस किया था मुझे और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए वो गाने हिट हो गए तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री आपको देती है तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग और यू नो हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है तो उस टैलेंट को जहाँ पर भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ और रियलिटी शोज़ में भी करते थे और जहाँ पर ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए कुछ और नहीं सोचना चाहिए तो बस वो मैंने वादा कर दिया अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की मैंने कुमार जी से भी बात की और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये
बात वायरल हो गई, वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का. सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू. यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक. म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया. तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी आरडीहीर का हमेशा से ही रहा है. बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है. हमारा डायरेक्टर नया है, ही वॉज वेरी गुड कोरियोग्राफर. सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल. और बस हम ये जो इट्स हर डे यू हैव टू टेक हर टू दैट नेक्स्ट लेवल. रानू जी मेरा सवाल आपसे है. रानू जी आपके लेफ्ट में, हेलो आपके लेफ्ट में इधर रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को, कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ उनके पास, प्यार के लिए जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए. और फिर हमारी ये जो हेमिस जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है. और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी. और फिर आप लोगों के इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड की भी आभारी हूँ. और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कि हमें उनका उन्होंने तो मेरे ही तपन दा हाथ उठाई, यहाँ तक उन्होंने मुझे छोड़ा इनके वजह से, जो हमें हेल्प किया. और अतिंद्र को भी, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और अतिंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने जब वीडियो किया इसके बारे में, गानों के बारे में, तो उनके वजह से भी ज़रूर. तो इनके लिए मैं आपके सब और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हम आप सब के लिए. जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तब से आप धन्यवाद दिए जा रही हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं, फैंस को दे रही हैं, हिमेश को दे रही हैं, तपन और बाकी टीम को दे रही हैं, लेकिन आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं. आपकी कहानी जानना चाहते हैं. आप तेरी मेरी कहानी गाना ज़रूर गा रही हैं, लेकिन आपकी कहानी कि क्या आप बचपन से आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आएंगी? क्या आपने कभी कोई शास्त्रीय संगीत का कोई क्लासेस ली है? या फिर जब आप गा रही थी या आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था तपन ने, उस वक्त क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया था कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप इस तरह से लोगों की फेवरेट बन जाएंगी? मैं जब गाती थी तो तभी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मगर मेरे आवाज़ के ऊपर मैंने हमेशा निर्भर किया कि मेरी जो आवाज़ है, क्योंकि मैंने पहले तो लता जी का आवाज़ से ही गाना शुरू किया, तो उसके लिए मैंने वो जो शोर पिक्चर का गाना गाया, तो मैंने वो जो गाना बचपन से मैंने गाने की मुझे बहुत शौक़, मतलब शौक़ मीन्स दिल से, ऐसा नहीं गा दिया हो गया, मतलब जो गाना नहीं होता तो एक अनकम्फर्टेबल बोलते हैं ना, जिसके फुल मतलब फुलफिल नहीं हुआ, या फिर कुछ अधूरा रह गया मेरी ज़िंदगी से, मेरी सुरों से, मेरी आवाज़ों से, तो कहाँ क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ,
ऐसा सोचते थे जरूर, लेकिन मेरी जो आवाज़ है जो गॉड की तरफ से मिले या भगवान, तो उनके ऊपर मैं हमेशा निर्भर या फिर डिपेंड करती थी कि मैं करती हूँ भी अभी भी, कि उनके मेहरबानी से मैंने जो भी कुछ हुआ सब आपके सामने हूँ और है, और आगे जा के भी मैं ज़रूर गाऊँगी। इनके साथ तो वो जो रिलीज हुआ ना से गाना, तो इन सब के लिए मैं सबको और उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ये बात है कि मैंने कभी ये आशा नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरे जीवन में कभी ये दिन नहीं आने वाली है। हाँ, ये जो स्टेज मुझे, ये जो स्टेप मिली है हिमेश जी से, तो इसका शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने सोचा नहीं, लेकिन स्टेज पे मैं पहले भी गा चुकी हूँ और गाया भी हूँ, और वो कुछ सालों के लिए गैप थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गानों से अनजाना थी। ये जो सुर और अगर मैं सोचा कि मैं गा नहीं सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना सुनना छोड़ दूँ। तो मैंने उन जैसे कि रफ़ी जी और लता मंगेशकर और मुकेश जी और सनू निगम और फिर कुमार सानू, जो जो बड़े बड़े सिंगर है या फिर किशोर कुमार, इन लोगों के गाना सुन के तो मैंने सीखी वो, तो कैसेट से रिवाइज कर करके मैंने जिस जिस जगह में मुझे ज़रूरत वो सुन सुन के सीखी हो। तो मुझे जैसे लता जी का आवाज़ मैंने तभी कॉपी करती थी, कर कर के मैंने गाया, तो हाँ सभी गायक गायिका से। तो मुझे ये उम्मीद थी कि है भी कि मैं ज़रूर गा सकती हूँ। मुझे ऑलवेज़ ये लगता है कि टैलेंट को आगे लेके जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा सलीम अंकल कहते हैं, सलमान भाई कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है, तो हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये बस उनकी आवाज़ में वो कशिश थी और हमने वो किया, और आप लोगों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, ब्लेसिंग आर टीम, एंड थैंक यू एवरीबडी, कुमार जी और दीपशिखा जी, वाशु जी, एंड यू नो एवरी टीम मेम्बर जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें इस पूरी जर्नी में। एंड अभी तक म्यूज़िक यू नो यूजुअली रिलीज से पहले इस तरह से हिट आजकल कम होता है, बिकॉज ट्रेलर पहले आता है और फिर म्यूज़िक आता है। बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी दीपशिखा जी के साथ, कुमार जी के साथ, वाशु जी के साथ एक डिसाइड हुई कि हमें इस फिल्म का, इट्स अ म्यूज़िकल फिल्म, इट्स अ लव स्टोरी, सो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हमने म्यूज़िक इसका पहले लाने की कोशिश की। अभी तक ट्रेलर आया भी नहीं है और म्यूज़िक आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया है, तो ये बहुत रेयर होता है रिलीज़ से पहले आजकल के ज़माने में, जो पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता। yes. वो हुआ है, और एक जेन्युइन ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक होना रिलीज़ से पहले बहुत अच्छी बात है। और अभी बहुत ग्रेट म्यूज़िक इस फिल्म का बाकी है आना, इसके रीमिक्सेस भी आ रहे हैं और आपको 31 दिसंबर पे सारे गाने के साथ आपके पार्टी कराएंगे उसके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एंड एचआर, यू नो हमें बहुत सी बातें करनी है अबाउट को हीरे का, yes, हीरे दिखा देते हैं जिससे एक फिल्म की आपको फील मिलेगी। hmm. और उसके बाद इस गाने का इंतजार जो आप कर रहे हैं, जो yeah. आज लॉन्च हो रहा है। wow. and it's the launch of a sensational singer today. एंड हमने पूरी कोशिश की है, आप ये दोनों गाने देखिए। पहला गाना अरिजीत और श्रेया ने गाया है, mm-hmm. जो हमारी फिल्म की एक आपको जो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है इस वक्त सब जगह पे, आप देखिए वो गाना। और mm-hmm. दूसरा गाना आपको जो हमारा लॉन्चिंग गाना है, आज हम दो गाने दिखाते हैं, उसके बाद हम विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, सो ऑल अप टू यू, कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज, द सॉन्ग व्हिच इज मेकिंग रेडियो वेव्स। यस ऑफ कोर्स, आशिकी मैं तेरी,
उम्मीद पे दुनिया कायम है, सपने सभी संजोते हैं, सपने देखना मत छोड़ो, सपने सच होते। तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। कभी उड़ती महक, कभी गीली फिजा, कभी पाक दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाँव नरम, कभी सर्द हवा। तेरी मेरी कहानी। पता था लोगों ने आपको लता मंगेशकर के वॉइस में कंपेयर किया, वॉइस के जी जी क्या फील हो रहा था, क्या कहना चाहेंगे जी? क्योंकि मैंने जितना गाना गाया पहले, क्योंकि जैसे कि शोर पिक्चर तो उन्हीं का, वो आवाज़ तो उनकी है, तो उनकी आवाज़ से मैंने गाना गाया, उनकी आवाज़ मतलब उन आवाज़ जैसे कि वो जिस तरह से गाया उनका, उसका गाने जितना भी था पुराना जो मैंने गाया ओल्ड गाना, तो सभी तो लता मंगेशकर की है, तो मतलब उनको भी कोई राइटर ने उनको सिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने बंगाल में जाके भी मैंने सुना उनके बारे में, या तो रेडियो में भी बोला कि हेमंत जी जो था वो भी लता जी को कुछ बांग्ला सिखाया, क्योंकि उनको बांग्ला नहीं मालूम था, वो तो यहाँ का महाराष्ट्रियन है लता जी, तो मंगेशकर तो उनको भी बांग्ला में जाके सीखना पड़ा था, लेकिन वो उसने कोई मतलब ऐरा गहरा कोई इंसान से नहीं सीखा, बल्कि वो वहाँ का हेमंत जी जिसका नाम, वो भी एक रेडियो आर्टिस्ट, उनके पास से उन्होंने सीखा लता जी ने बंगाली गाना, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम था बंगाली गाना, फिर भी उनका जो आवाज़ जैसे कि उसको कोकिल कंठ से उसका उपाधि मिला है ना, तो उसके हिसाब से उसकी आवाज़ सचमुच खूब ही बहुत खूब है। जैसे कि हीरो पिक्चर में जैसे वो गाना है, डुएट है वो पिक्चर, किताबों में लिखा है, सॉरी लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। हर्षवर्धन भट्ट किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा? हर्षवर्धन भट्ट मेरे कैरेक्टर, लता मंगेशकर से अगर मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे? अब अभी कर भी सकता हम, बोल हम ये नहीं नहीं जरूर, क्यों नहीं, आज इतने उनसे तो कौन नहीं मिलना चाहता, और हम लोग सब उनसे इंस्पायर्ड हैं, और लता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंस्पायर होकर ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री के, मैं नहीं, रानु जी नहीं, बल्कि सारे आर्टिस्ट वो उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उनसे मिलवाने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, एंड व्हाई नॉट, आई एम श्योर रानू जी के लिए भी अच्छा मोमेंट, बड़ा मोमेंट होगा लता जी को मिलना जी। क्या फीलिंग होगी उस वक्त अगर मिले, चांस मिले तो? क्या मैं जो अभी जो मैं इनके साथ जो गाया मैंने जितना भी जो भी, तो मुझे नहीं लगता इनके ऊपर और किसी के साथ मुझे और किसी को मैं बोल सकूँगी बहुत। हाँ एक ज़माना थी उनको जो जिस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा गाना, मैंने तो बोली कि उनका उनका उम्र के हिसाब से मैं उनके पास बहुत ही उम्र से मैं बहुत ही छोटी और जूनियर हूँ,
तो बस मैंने उनका गले का मैंने उनका जो आवाज़ उसी को हमेशा फॉलो किया, उनका तारीफ किया आवाज़ जो कि भगवान ने दिया ज़रूर उनको भी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम उनके इतिहास के बारे में, उनके उनका जो पर्सनलिटी उनका लाइफ में क्या क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बात मैंने सिर्फ उनका आवाज़ हाँ कभी उनका मुंह पे देखा लाइटिंग जब वो गाते समय या फिर कभी उनका पिक्चर में दिखाया या फिर कैसेट पे भी बहुत समय उनका पिक्चर लगा हुआ रहता था तो वो सब देखी, मगर उम्र के हिसाब से वो बहुत ही उनको 90th बर्थडे के लिए हम लोग अपनी दिल से शुभकामनाएं देते हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लता जी, आपका 90th बर्थडे है और आप हज़ारों साल जिए और इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहें यही हम कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फाइनली लास्ट क्वेश्चन सर, हमें ये बता रहा है कि आप दबंग 3 में भी गा रही है, कुछ सॉन्ग्स मिले इसका कुछ बता सकते हैं? अब तो नहीं पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं मुझे, मैं कैसे कह सकता हूँ, अतिंदर जी अभी वो हमारे जो ये गाने आ रहे हैं वो गा रही हैं, आदत नाम का गाना आने वाला है, आशिकी में तेरी कह रही है नज़दीकियाँ, बहुत सारे गाने आ रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ वो कोलैबोरेट करें या हम दिल से दुआ करते हैं, और अतिंदर जी और तपोंदा उनका काम पूरा हैंडल कर रहे हैं, और बाकी और कोई फिल्म पे कमेंट करना इस वक्त ठीक नहीं होगा, वो डेफिनेटली आप लोगों के सामने जो भी बहुत जल्दी उनके आगे के गाने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फाइनली सर क्या कहना चाहेंगे, हैप्पी हार्डी हीर कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाले बोल सकते हैं? हैप्पी हार्डी एंड हीर बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत गाने हैं लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत दिल से बनी हुई फिल्म है, और उसके अभी और कुछ गाने आने बाकी हैं, अभी आप लोगों ने इतने में ही इतना बड़ा हिट बना दिया, इसके और गाने को भी बहुत आगे लेके जाइए, उसके बाद हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे जिसमें रिलीज़ डेट होगी और तब हम रिलीज़ डेट अनाउंस करेंगे, तो कब रिलीज़ होगी वो पता ही तब चलेगा जब ट्रेलर आएगा, लेकिन उससे पहले अभी तो बहुत सारे गाने और मैशअप्स एंड रीमिक्सेस आने हैं, तो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। सर साथ में आप भी। कभी छाँव नरम कभी सर्द हवा तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। ठीक है सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। मैं अजय सॉरी मैं लेकिन मैं बिफोर वी ओपन द क्वेश्चंस, आई थिंक हम सबके सब उस गाने को बड़े पर्दे पे देख रहे थे, नीचे आपकी इस मुस्कान को देख रहे थे, आपकी मुस्कान देख के हमारे चेहरों पे मुस्कान थी। टेल अस अबाउट इट रानू जी, वो कलकत्ता का स्टेशन वहाँ पे बैठ के वो गाना गाना, वहाँ से फिर वो सोशल मीडिया पे, फिर HR ने आपको ये गाना, मतलब कि ये फीलिंग क्या है, क्या लग रहा है आपके दिल में, क्या चल रहा है सब बताइए। Thanks to God. Yeah, because he always loves me. That's why. Thank you so much. Because God is always time loves me, you know. That's why. Because he is great, no. यानी भगवान जो हमारा है वो बहुत
बहुत ही प्यार करते हैं मुझसे, यानी यीशु जिसका नाम, उन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्यार करते हैं कि हम उनके पास कितने भी क्या बात है जी, थैंक यू। वाओ, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी मिली है, बहुत मैं इनकी वजह से उनकी आंखों में तो खुशी की आंसू आ गए। हाउ स्वीट इज दैट, सुपर। एक होती है दुख की आंसू, उनके आंखों में खुशी की आंसू है, जो मैं भी कभी कभी खुशी से रो देती हूँ, तो ये खुशी की आंसू। देखिए ये सफ़र आप लोगों की वजह से हुआ है। ये इतना इनफॉर्मल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कितनी मेहनत से, हर घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं, फिर उसके टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी जद्दोजहद में हम